महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा। बीजेपी की सरकार आने पर विपक्ष के संविधान बदलने के दावे को सीएम एकनाथ शिंदे ने विकास के एजेंडे और सरकार द्वारा किए गए कार्यों से ध्यान भटकाने को चाल बताया। सीएम एकनाथ शिंदे ने पूर्व में उद्धव ठाकरे की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कैसे अमरावती की सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को हनुमान चालीसा जाप करने और पत्रकारों की गिरफ्तारी के साथ 14 दिन की जेल हुई थी। शिंदे ने कहा कि यह उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली एमबीए थी जिसने लोकतंत्र की हत्या की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष ये सोच नहीं पा रहा है कि वो हम पर कौन सा आरोप लगाए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा। बीजेपी की सरकार आने पर विपक्ष के संविधान बदलने के दावे को सीएम एकनाथ शिंदे ने विकास के एजेंडे और सरकार द्वारा किए गए कार्यों से ध्यान भटकाने को चाल बताया। सीएम एकनाथ शिंदे ने पूर्व में उद्धव ठाकरे की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कैसे अमरावती की सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को हनुमान चालीसा जाप करने और पत्रकारों की गिरफ्तारी के साथ 14 दिन की जेल हुई थी। शिंदे ने कहा कि यह उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली एमवीए थी जिसने लोकतंत्र की हत्या की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष ये सोच नहीं पा रहा है कि वो हम पर कौन सा आरोप लगाए।